गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी नर्सरी क्लास की क्लास टीचर। आप लोग तो जानते होंगे कि कोरोना बहुत फैला हुआ है। आप लोग घर में ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा और हाथ धोते रहिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी नर्सरी क्लास की क्लास टीचर। आप लोग तो जानते होंगे कि कोरोना बहुत फैला हुआ है। आप लोग घर में ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा और हाथ धोते रहिएगा। दो दो मिनट पे, चार पांच मिनट पे हाथ धोते रहिएगा, दिन भर में चार पांच बार। और अच्छा अच्छा खाना भी खाते रहिएगा और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा और घर में बैठकर ही अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे बुक के बारे में। ये देखिए, ये एक प्रकार का थैला है। इससे आप लोगों को, ऐसे थैले में आप लोगों को बुक मिलेगी। आप लोग यहाँ पे आइएगा और बुक ले जाइएगा। जिस जो लोग खरीद लिए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं खरीदे हैं वो लोग जितना जल्द हो सके खरीद लेंगे तो ठीक रहेगा। अब हम आप लोगों को बुक का इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहले बैग खोलिएगा, एक प्रकार का पेज निकलेगा। इसमें 9 बुक का नाम लिखा हुआ है, इसमें प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ है। आप निकालिएगा, उससे आप लोगों को सब चीज पता चल जाएगा। अब आप देखिए, फर्स्ट बुक हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट बुक का नाम है, ये हिंदी है, गीत संगम। गीत संगम का मतलब है इसमें हिंदी में पोयम दिया हुआ है। ये इसमें हम लोग पोयम घर पे ही बैठकर याद करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड बुक के बारे में बताएंगे। सेकेंड बुक है आप लोगों की, देखिए ये भी है अक्षर ज्ञान। ये भी हिंदी ही है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान मतलब आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि अ आ इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, अ से अनार बना हुआ है। अ से और भी चीज होती है जो आप लोग बुक खोलिएगा और अपने से घर पे पढ़ाई करिएगा। अब देखिए, हम आप लोगों को तीसरे बुक के बारे में बताएंगे। ए भी ए है अक्षर सुलेख। अक्षर सुलेख मतलब ये रिटेन बुक है। इसमें आप लोगों को घर पर ही बैठकर इसमें हाथ चलाना है और सुंदर राइटिंग में, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम सुंदर राइटिंग में हाथ चलाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताएंगे चौथा बुक। एक चौथा बुक है माई रैम्स बुक। रैंक्स बुक मतलब है इसमें इंग्लिश में पोएम्स दिया हुआ है। एक पोएम्स को आप लोग घर पे बैठकर याद करिएगा और इसके बारे में इन सब याद करिएगा और इन सबों का वीडियो भी जाएगा, जो नहीं आएगा वो हम लोग बताएंगे। अब देखिए, अब ए बुक है, ये है माय फर्स्ट अल्फाबेट राइटिंग बुक। ये इंग्लिश का बुक है, इसमें एक हाथ चलाने वाला बुक है। इसमें आप लोग पेज खोलिएगा तो देखिए लाइन खींचा हुआ है, आप लोग को इस पे हाथ चलाना है और सुंदर राइटिंग में एकदम अच्छे से हाथ चलाइएगा, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, अब ये है फन विथ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब होता है इसमें सब चीज का जानकारी दी गई है। इसमें आप लोग खोलिएगा बुक को, इसमें ड्राइंग भी बना है, लिखा भी है, फिर उसमें ड्राइंग पे अच्छे से कलर बनाए, कलर करिएगा एकदम सुंदर कलर में, और जो चीज बना हुआ है उसको कोशिश भी करिएगा बनाने का पेज पे, और हाथ भी चलाने के लिए दिया गया है, हाथ भी चलाइएगा सुंदर राइटिंग। आप देखिए, अब एक बुक है माय बुक ऑफ नंबर्स। ये है मैथ्स की बुक। मैथ्स के बुक में इसमें आप लोगों को हाथ चलाना है, इसमें डॉट डॉट करके बना हुआ है
और एकदम जैसे बना हुआ है एकदम ठीक उसी पे आप लोग हाथ चलाइएगा तभी सुंदर लगेगा। आप देखिए अब एक अब है अब एक बुक है माई अल्फाबेट बुक, ए रीडिंग बुक। इसमें आप लोग खोलिएगा और घर पे ही पढ़ाई करिएगा। जैसे ऐप पर मतलब सेव दिया हुआ है, सब चीज का ड्राइंग दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख ड्राइंग को देख देख कर अच्छे से पढ़ाई करिएगा क्या लिखा हुआ है और घर पे ही बैठ। अब देखिए लास्ट बुक है माई कलरिंग बुक, एक ड्राइंग वाला बुक है। इसमें सुंदर सुंदर ड्राइंग दिया गया है, आप लोग अच्छे से कलर करिएगा, कलर खरीद लीजिएगा घर पे ही बैठ के, जैसे स्कूल में करते हैं वैसे घर पे ही बैठ के सुंदर कलर में एकदम सुंदर सुंदर कलर करिएगा, अच्छा लगेगा। और कुछ अपने से भी बना के कलर करिएगा। अब आप लोग बच्चों देखो पूरा 9 बुक है, जिसके पास नहीं है वो लोग खरीद लेंगे, जिसके पास है वो लोग घर पे ही बैठकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों घर में ही बाहर मत निकलिएगा,